गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम शुरू करेंगे फिजिक्स क्लास 12, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा डिस्कशन का, वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी वायर के अंदर से या किसी भी बॉडी के अंदर से करंट पास होता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है और यही होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहले कुछ छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस इज एक्सपीरियंस। तो किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें उसका चुंबकीय प्रभाव महसूस किया जा सके, क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कि उसका फील्ड, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस किया जा सके, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चीज होती है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होती है? इसको बोलते हैं दिक्सूचक, दिशा सूचक। ये एक बार मैग्नेट होता है, इस तरह का सिंपल एक एरो होता है, यहाँ पर ये फिक्स होता है। ये एक नॉन मेटल कंटेनर होता है, ऊपर ग्लास नीचे ग्लास, और ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेटिक नीडल या कंपास या कोई भी मैग्नेट, अगर उसको हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। तो वी नोटिस्ड दैट व्हेन वी प्लेस हेनरी ओस्टेड, हेनरी ओस्टेड जो कि साइंटिस्ट थे, he noted that when we put a magnetic compass near a current carrying conductor, then it get deflected. Which means electric current produce magnetic field. तो हेनरी ओस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक बात नोट की कि अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर के पास
हम अगर मैग्नेटिक कंपास रख देते हैं, क्या रख देते हैं, मैग्नेटिक कंपास, तो वो मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ साउथ नहीं दिखाती, बल्कि कोई और डायरेक्शन दिखाती है। मतलब क्या है कि जैसे ही हम किसी मैग्नेटिक कंपास को किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो वो नॉर्थ साउथ की बजाय और कोई डायरेक्शन बताने लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि करंट क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर हेनरी ओस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, हेनरी ओस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक सिंपल काम किया, उसने क्या किया, एक वायर लिया, उसने यहां एक बैटरी लगाई, और यहां पर उसने क्या रख दी, ये है मैग्नेटिक नीडल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो उसने क्या नोट किया, उसने ये नोट किया कि जब हम किसी करंट कैरी कंडक्टर के पास एक मैग्नेटिक नीडल लेकर आते हैं तो क्या होता है, तो जैसे ही इसके पास लेकर आते हैं ये नॉर्थ पोल इस तरफ आ जाता है और साउथ पोल इस तरफ और नॉर्थ पोल, यानी कि, और उसने फिर एक काम और किया, उसने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को बदल दिया। क्या किया, करंट की डायरेक्शन को बदल दिया। अब डायरेक्शन होगी ये, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इसका स्टैंड। तो हुआ क्या, तो देखिए एक बात तो क्लियर हो गई कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक मैग्नेटिक नीडल लेकर जाते हैं तो होता क्या है, तो वो मैग्नेटिक नीडल अपनी जगह से मूव करती है, डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब क्या है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हेनरी ओस्टेड ने क्या किया, उसने डायरेक्शन बदल, देखिए पहले करंट डायरेक्शन ये थी, अब ये है, पहले ए टू बी थी, पहले ए से बी की तरफ आ रहा था, अब बी टू ए है। तो जैसे ही डायरेक्शन बदली तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ही बदल गई, पहले नॉर्थ पोल इस तरफ शिफ्ट हुआ था, अब नॉर्थ पोल इससे दूर शिफ्ट हुआ है। तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन बदली तो मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है उसकी एक डायरेक्शन भी है जो कि डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो हेनरी ओस्टेड ने एक रूल, एक एम्पियर ने एक रूल दिया, स्नो रूल। कौन सा रूल, स्नो रूल। व्हाट इज स्नो रूल, स्नो रूल स्टेट्स दैट इफ इन ए कंडक्टर, स्नो रूल स्टेट दैट इफ इन ए कंडक्टर करंट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इफ इन ए कंडक्टर करंट मूव फ्रॉम साउथ साउथ टू नॉर्थ, देन नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवार्ड वेस्ट। ये क्या कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी तो जो कंपास है, जो मैग्नेटिक नीडल है, उसका नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ मुड़ेगा। और अगर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होगी, नॉर्थ से साउथ, तो जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का वो ईस्ट की तरफ जाएगा। ध्यान दें,
साउथ से नॉर्थ आएगा तो वेस्ट की तरफ जाएगा, अगर नॉर्थ से साउथ जाएगा तो ईस्ट की तरफ जाएगा। अब एक छोटी सी बात और है, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कहां से होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड, द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दें, अगर मान लीजिए यहां पर कोई चार्ज है रखा हुआ है, अगर कोई चार्ज अपनी जगह पर है तो वो सिर्फ एक फील्ड पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर वो चार्ज मोशन करना शुरू कर देता है तो क्या पैदा करता है? मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जुड़ा रहता है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए हम सभी ने चुंबक के साथ काफी खेला हुआ है। जब मैं एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास लेकर जाता हूं तो वो उसको अपनी तरफ खींचता है या रिपेल करता है, तो कितनी फोर्स से वो रिपेल करेगा या कितनी फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, FM, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। देखिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की वजह से ही होता है, तो मूविंग चार्ज पर ही क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, अगर स्ट्रॉन्ग चुंबक होगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, बिल्कुल सीध में होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा वी के, वेलोसिटी के। जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा उतनी ज्यादा फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। तो एफ इज इक्वल डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू क्यू वी बी साइन थीटा। एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा। एसआई सिस्टम में के की वैल्यू होगी 1, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी साइन थीटा, और वी कैन से F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि साइन है ये, हम साइन थीटा को हम क्रॉस प्रोडक्ट में हटा सकते हैं। तो ये था फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई अगले वीडियो में दिया जाएगा।